नमस्कार किसान मित्रों, कैसे हैं आप सभी। टेक्निकल एग्रीकल्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यानी कि ड्रिप इरिगेशन से खेती कैसे करते हैं, उसकी बेड कैसे बनाएं, और साथ ही साथ बताऊंगा मल्चिंग कैसे लगाएं और इन सब के क्या फ़ायदे हैं और कितनी इसमें लागत आती है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। अगर आप अच्छे ढंग से टेक्निकल तरीके से खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो चलिए साथियों, थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं वीडियो को। जी साथियों, आपको सर्वप्रथम खेत को रेडी करते टाइम ट्रैक्टर की सहायता से, कल्टीवेटर हो, टेलर हो या फिर रोटावेटर हो, उसकी मदद से आप मिट्टी को अच्छे प्रकार से भुरभुरा बना लें, जब भी आपकी अच्छी बेड बनेंगी। और साथियों, मल्ची बिछाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो साथियों, आप अपना भूमि को अच्छे प्रकार से भुरभुरा कर लें और उसमें थोड़ी नमी होनी आवश्यक है ताकि हमारा जो भी फसल लगाएं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो साथियों, देखते हैं बेड किस हिसाब से बनाते हैं। मैं आपको पूरा फील्ड रेडी दिखाता हूं कैसे बनाया हुआ बेड है। जी साथियों, भूमि को अच्छे प्रकार से समतलीकरण करने के बाद आप इसी प्रकार से बेड बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को रोक करके दिखाता हूँ साथियों। ये साथियों, आप देख रहे होंगे एकदम रेडी फील्ड है। इसको मैं बताता हूँ आपको पूरे डिटेल्स में किस हिसाब से ये बेड बनाई है, कितनी अच्छी सुंदर बेड लग रही है। साथियों देखते हैं। जी साथियों, अगर आपकी मिट्टी एकदम भुरभुरी होगी तो इस प्रकार से आप इतनी इतनी सुंदर बेड आप बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे बेड बनाई है ये, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। इधर लेफ्ट से भी चढ़ाते हैं और राइट से भी इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, फावड़े या कुदाल की सहायता से, फावड़े की सहायता से। साथियों, ये सीधे आप बेड देख रहे होंगे, इस पर इधर साइड से भी मिट्टी चढ़ाई गई है और इधर से भी फावड़े की सहायता से मिट्टी चढ़ाई गई है। दोनों साइड से बराबर बराबर मिट्टी चढ़ाते हैं जिससे कि हमारी बेड देखने में एकदम प्लेन और समतल लगे। तो साथियों, और मैं बता देता हूँ, अगर बेड अगर हमारी ऊंची बनी हुई होती है तो हमारे पौधे जो भी हैं, प्लांट्स, वो डैमेज नहीं होते हैं और अच्छा उनकी ग्रोथ होती है, यानी कि रूट जोन जो है वो अच्छी फैल जाती हैं अगर बेड हमारी ऊंची है। जितनी भी हमारी कंद वाली फसलें हैं, तो साथियों जो भी हमारे किसान मित्र कंद वाली फसलें लगाना चाहते हैं तो ज़्यादातर बेड बनाकर ही फसल को रोपे हैं। तो साथियों, मैं बताता हूँ अब मल्चिंग मल्चिंग कैसे लगाते हैं, मल्चिंग शीट्स। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मल्चिंग शीट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मल्चिंग क्यों लगाते हैं। तो साथियों, मल्चिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमारी रेड रेड किरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेड रेड किरण, तो वो हमारे प्लांट्स पर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं और उसके लिए हमारा जो भी है प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है उसकी उसी की वजह से। और साथ ही साथ इसमें खरपतवार भी नहीं उगते हैं जो हम देख रहे होंगे, यानी कि इसके ऊपर जब मल्चिंग परत चढ़ जाएगी तो इसमें हमारी खरपतवार नहीं निकल के आते हैं। साथियों, सबसे पहला बात ये है और कि जितने भी हमारे फंगस कीटनाशक हैं उनसे भी बचाव होता है और हमारी फसल अच्छे प्रकार से ग्रोथ करती है। साथियों, देखते हैं मल्चिंग शीट किस हिसाब से लगाते हैं और फील्ड किस हिसाब से लगता है और उसका रेट क्या है मल्चिंग शीट्स का। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और है साथियों, मल्चिंग लगाने से पहले आप अपने ड्रिपर को चला करके देख लें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को, और कंटिन्यू अगर ड्रिपर हमारे ठीक हैं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जहाँ भी ब्लॉक हो आप उसे काट करके अच्छा से ज्वाइनर लगा के उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों, अगर मल्चिंग पर चढ़ा दें तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपके प्लांट सूख सकते हैं। तो साथियों, मल्चिंग बिछाने से पहले थोड़ा पानी चला करके देख लेना अति आवश्यक होता है जिससे कि हमारे प्लांट्स में कोई भी परेशानी नहीं पड़ती है, कहीं भी ब्लॉकेज होता है हमारा ड्रिपर तो उसे हम अच्छे से ठीक कर देते हैं। साथियों, चलिए देख लेते हैं मल्चिंग कैसे बिछाते हैं। जी साथियों, आप देख रहे होंगे ये पहले से ही मल्चिंग किया हुआ फील्ड है, कितना सुंदर फील्ड लग रहा है देखने में। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखो साथियों, मल्चिंग करने के ये हमारे फ़ायदे होते हैं, यानी कि खरपतवार नहीं होता है और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और कम लागत आती है हमारी फसल में। जो भी हमारे खरपतवार होते हैं तो उनके लिए रिमूव करने में ज़्यादा ही परेशानी होती है, टाइमली हम उसे वीडिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, मल्चिंग लगाना बहुत ही अति आवश्यक है जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ करेगा तो आपको पता ही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्लांट हमारा ज़्यादा दिन तक रहता है, हमारी फसल
जो भी सब्जी वाली क्रॉप्स होती हैं उनमें भी बहुत ही अति आवश्यक होता है लगाना, क्योंकि अगर हमारा 15 दिन भी अगर फसल अधिक चली अन्य किसानों के मुकाबले तो हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है साथियों। जी साथियों, आप देख सकते हैं मल्चिंग कितना सुंदर लग रहा है और प्लांट अच्छे से हमारा निकलने लगा है। साथियों, इस प्रकार से आप भी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग मल्चिंग की लगभग 5-5 इंच दोनों साइड से ढक देते हैं। ये इसमें माइक्रोन होते हैं, यानी कि अगर जितने माइक्रोन 30 माइक्रोन के लेते हैं तो आप 2 बार इसमें फसल कर सकते हैं अच्छे से। तो साथियों देखो कितना अच्छा हमारा फील्ड लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग के साथ आप खेती कर सकते हैं। तो साथियों, मल्चिंग करने से आप देख रहे होंगे इसमें प्लांट बहुत आसानी से निकल जाता है और हमारा जो भी है कि कीटनाशक, फंगस, वायरस वगैरह जितने भी होते हैं हमारे डिजीज़ बीमारी कम हो जाती हैं, और हमारे अल्ट्रावायलेट जो भी किरणें होती हैं उससे हमारा प्लांट नहीं मरता है। तो साथियों आप, हाँ, मल्चिंग का अब मैं रेट बता देता हूँ। तो 400 मीटर का एक बंडल होता है जो कि लगभग 1800-1900 रुपये में आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है आसानी से। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान साथियों।